खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है और ऐसे माहौल में सत्यनारायण जी और उनकी पूरी टीम ने हमको निमंत्रण दिया। हम अहमदाबाद से इधर आया, देखा उनका काम देखा है, बहुत सुंदर, समाज सेवा के लिए बिल्कुल समर्पित है। इनके साथ जो पूरी टीम है, पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी आदरणीयों ने जो वक्तव्य दिया वो बहुत अमल करने जैसा है और पूरे इंडिया में कला समाज जो अगर एक हो जाए तो हर स्टेट में कौन सी सरकार बिठानी है वो कला समाज कर सकती है। लेकिन अपन मेवाड़ा, पूर्बिया, टाक, वेगड़ा, सुवालका, अगर अदर स्टेट में जो अलग अलग पेटा ज्ञाति है, अपन उप ज्ञातियों में बटे हुए हैं, तो ये एक माहौल शुरू हो गया है कि अब जहां भी फंक्शन होते हैं सर्ववर्गीय होते हैं। हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया था, अखिल भारतीय तलवार कलाल महासभा दिल्ली के अध्यक्ष के नाते हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया था, वहां सत्यनारायण जी भी आए थे। फिर बाद में हमने महाराष्ट्र में अमरावती में पण किया, वहां भी सर्ववर्गीय किया था और अभी लास्ट में ये प्रकाश जी शाह ने थानला में किया। तो हम हर सर्व जगह पर सर्ववर्गीय कलाल नाती मिलते हैं और सालाना में बार बार ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और अपन मिलते रहेंगे तो अपनी नजदीकियां बढ़ेगी, नहीं तो फिर हम गुजरात तक सीमित थे। हमको यही पता था कि बस हम इतनी ज्ञाति में हैं, लेकिन मैं जब दिल्ली के अध्यक्ष से चुना गया तब पता चला कि अपनी उपजातियां कितनी सारी उपजातियां हैं। आदरणीय सर ने बताया, किसी ने 96 बताया कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्लस एक अध्याय इसमें शास्त्र भाव अर्जुन का भी हमने भगवान श्री का रखा। अध्यक्ष महोदय आपके ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां समाज के लिए, इतनी बड़ी एक थीसिस तैयार करने वाले हमारे मेवाड़ा जी के लिए। और मैं चाहूंगा इसकी एक कॉपी नागेश्वर भी भिजवाए, बहुत बड़ी जरूरत है वहां पर। जो कहते हैं कि हमारे सत्संग भगवान कुछ नहीं थे, ये वाला परिवार, दुनिया की तरह से भी एक कक्ष की घोषणा की गई है। आप सामने रहो, अरे
आज स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है पांचों भाइयों का। एक और काम है बहुत बढ़िया आपके जरा उपकार कर देना, हुआ जालिम जमाना ये डराता है बहुत मुझको, थाम कर हाथ को मेरे तुनैया पार कर देना। साहब हमने कैसे कैसे दंश झेले कोरोना काल में, ये माँ चामुंडा की असीम कृपा हुई कि हमारा देश आज कोरोना से मुक्त है। क्या चाहता हूँ माँ चामुंडा से, कि दर्दर की ठोकरी का तेरे दरबार आते, कि दर्दर की ठोकरी का तेरे दरबार आते, खाली उदर नंगे पैर वाली वाली का, जयकारे लगाते चले, जय माता दी गाते चले, चुनरी को ओर सजा सुमन की थाली का, कितनी दिन था दिन दिन दुनियारी, दगन की दया दसी दाद माता काली का, कर्म कृपाण सार और नर मुंड माल, भारत से कोरोना को तार माता काली का। एक बार जोरदार ताले बजाकर हम इस कार्यक्रम का आह्वान करते हैं और शुभारंभ करते हैं। चार पंक्तियां में नमन की एक साथ सभी अतिथियों के लिए कहना चाहता हूँ कि माता को नमन है और पिता को नमन है, ज्ञान देने वाले गुरुदाता को नमन है, जीवन देने वाले जीवन दाता को नमन है, जीवन देने वाली मेरी माता को नमन है, सामने बैठे जो प्यारे श्रोता को नमन है, विद्या देने वाली शारदे माता को नमन है, पास बैठे मेरे मेहमान को नमन है। श्री जयप्रकाश जी चौक से और सभी दूर दूर से पधारे हुए, नाम तो मैं नहीं जानता पर एक बार कि पास बैठे मेरे आप सभी को, पास बैठे मेरे मन, पास बैठे मेरे मन, पास बैठे मेरे मग मन को नमन गे, पास बैठे मेरे मग मन को नमन गे, पास बैठे मेरे मग मन को नमन गे, सीना फाड़ खड़े हनुमान को नमन गे, राम को नमन गे और सीता को नमन गे, को राम को नमन गे और सीता को नमन गे, झूठा मूठा नहीं सच्चे दिल का नमन गे, एक बार सबको सुशील का नमन है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि हम इस कार्यक्रम को आगे करें और भाई साहब राजेंद्र जी सर जिन्होंने मुझे संकल्प